गवर्नमेंट शहबाज शरीफ DHQ अस्पताल मुल्तान पहुंचे। मरीजों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहुंचे। मरीजों के अहले खाना से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। टॉयलेट्स का भी मुआयना किया। RPO मुल्तान ऑफिस पहुंचे। मुल्तान एयरबेस पहुंचे। लाहौर के लिए रवाना हुए।
मॉडल टाउन में अपने मामू के घर पहुंचे। मोहसिन नकवी अपनी ममानी को माँ का दर्जा देते हैं और उनको मम्मी कहकर बुलाते हैं। How was he as a child? A good boy. When he was very small? Oh, he was naughty. Very naughty? No, no. Harmless. Harmless naughty. Harmless naughty, yeah. Huh. You know. Huh. He's still harmless naughty. Harmless naughty. Yeah. What special memory you have about him? Oh, that was difficult because my husband asked him to read the paper and then question him. And of course, he didn't know. And how you liked that he became Chief Minister of Punjab? Oh, I don't know anything. I mean, he's there, I'm here. He's big man now. He's always been a good man. Mohsin Naqvi jo hain, ye kaise bhai hain, bachpan mein kaise the, padhai mein kaise the? Mohsin mujhse bahut chota hai. Aur jab ye ghar mein tha aur bada ho raha tha, to main to bahar pad raha tha. तो इसलिए सिर्फ जो वालिद साहब के साथ जो बातें होती थी, मोहसिन शैतान था और क्लासों में इधर उधर उसका ज़्यादा ध्यान रहता था, तो इसलिए वालिद साहब को फिक्र रहती थी इसकी ज़्यादा, लेकिन मोहब्बत में इसका कोई जवाब नहीं। ये जितनी जितनी खलूस से और जिस तरह से ये मोहब्बत करता है और हर एक को जो याद रखता है ना, वो एक चीज़ है जो बचपन से इसके साथ चलती है। सेवन क्लब में अपने दफ्तर वापस पहुंचे, चीफ सेक्रेटरी जायद अख्तर जमान से मुलाकात की। सीएम मोहसिन नकवी साहब हैं, आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, उनके साथ काम करना कैसा लगा? मुश्किल, आसान? ऐसा बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है। आसान इसलिए ही इज ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड ही वर्क्स, मतलब ये हमारे साथ दोस्तों की तरह हमारे साथ काम करते हैं। हर चीज़ डिस्कशन से होती है, हर चीज़ प्रॉपर डेलीब्रेशन होती है, हर मामले पे जो फैसले होते हैं उस पर प्रॉपर हमारी कंसल्टेशन होती है। मुश्किल इसलिए है कि मैं सुबह ऑफिस 9 बजे पहुंचता हूं, मेरी आदत है हमेशा मैं टाइम पे ऑफिस जाता हूं, तो 5 बजे के बाद या 4 बजे के बाद चीफ मिनिस्टर की मीटिंग शुरू हो जाती है, वो भी चलती है 9-10 बजे तक। उसके बाद हमारा एक विजिट होता है, तो वर्चुअली अब मैं 9 से लेकर रात 11 बजे तक रहता हूँ। तो इस पर जो मेरा हल्का बाप है बेगम समेत, वो काफ़ी अब नाराज़ है मुझसे। तो बाकी इस प्लेयर वर्किंग विद हिम बड़ा अच्छा एक माहौल है जिसके अंदर तमाम लोग कंफर्टेबल। आपने बहुत से सियासतदानों के साथ भी काम किया है, ये तो गैर सियासी हैं, तो सियासी मामलात और गैर सियासी मामलात के फैसले करते वक्त आप क्या क्या समझते हैं कि इनकी डिसीजन मेकिंग कैसी है? देखिए, इनके लिए ना बहुत सारे फैसले वो हमारी तरह सोचते हैं, लेकिन फैसला पॉलिटिकल एंगल ज़रूर करते हैं, जिसमें पब्लिक टैक्सेस, मसलन हम टैक्सेस की जब बात करें तो हमारा ये ख्याल है कि फाइनेंशियल फिजिबिलिटी हर एक चीज़ का बेसिक है। तो ही बिलीव्स इन दिस, ही अंडरस्टैंड दिस, वो बात भी करते हैं, हमसे एग्री भी करते हैं, बट कई दफ़ा फिर वो मामला वो भी उसी तरह कोशिश करते हैं कि जो लोगों को रिलीफ मिल सके वो दे दें। बहुत इजी है फॉर हिम टू टेक डिसीजन, क्योंकि ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है उनका, कोई हल्का ऐसा नहीं है जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन के बेस पे फैसला नहीं है, प्योर मेरिट और जो हमारी रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक चलते हैं। मुख्तलिफ मीटिंग्स में अहकाम दिए, अमेरिका से आए अपने दोस्त से मुलाकात की। आप तेज तेज चलते हैं, तेज तेज फैसले करते हैं, इतनी फुर्ती कहां से आ गई? इतनी देर में फैसले, अभी 5 मीटिंग्स आपने 6 मीटिंग्स की हैं और फैसले कर लिए और इतनी डाइवर्स, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपका तजर्बा कहां से आ गया? नहीं, मैं अपने काम में भी इसी तरह करता,
जो एक काम सीखे उसमें भी यही करते थे। नहीं तो आपको कहाँ कंस्ट्रक्शन की समझ है, डेवलपमेंट की समझ है, एजुकेशन की समझ है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से डेवलप की? जो सर मेरे ख्याल है जो हमारा शोबा है वो हमें हर चीज़ सिखा देता है। ये बताएं कि आप आए तो इलेक्शंस के लिए थे, तो आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं? अगर इलेक्शन महीने बाद या दो महीने बाद हों तो हम जो इलेक्शन कमीशन कहेगा हम उस तरह चलेंगे। हम इलेक्शन कमीशन के मातहत हैं और उनके हुक्म के पाबंद हैं। ये बताएं कि बड़ा टर्माइल है, आप ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर हैं, आप पर भी वो वेव्स असरअंदाज तो होती होंगी, क्या करते हैं आप? नहीं ज़्यादा नहीं होती, सियासत की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। नहीं अपना काम कर रहे हैं बस, ठीक है करते रहेंगे जितना एक लोगों की थोड़ा बहुत एटलीस्ट 1% 2% ही रिलीफ मिल जाए, मेरे ख्याल यही बहुत है। जब सियासत का दौर था तो काबीना 50 लोगों पर 40 लोगों पर मुश्तमिल होती थी, आपने सिर्फ 9 पर आकर काबीना के अरकान को महदूद कर दिया, तो बाकी मिनिस्ट्रियाँ कैसे चल रही हैं? हमारे टोटल 8 मिनिस्टर हैं, 2 एडवाइज़र्स हैं और मेरे ख्याल है सारे के सारे बड़े मेहनती हैं। 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट्स करें, एक तो हम गवर्नमेंट पर बोझ नहीं डालना चाहते, दूसरे हमारे ये सारे के सारे बड़े एफिशिएंट लोग हैं और ये भी सुबह शुरू होते हैं रात लेट नाइट तक काम कर रहे होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि लंबी कैबिनेट से मसला का हल है, आपकी टीम अच्छी हो तो आप मसले हल कर सकते हैं। नकवी साहब मैंने सुना है आप अपनी गाड़ियों में पेट्रोल अपना यूज़ करते हैं, बैरून मुल्क जाते हैं तो अपना किराया देते हैं, टिकट अपने ख़रीदते हैं, अपने सारे स्टाफ के भी ख़रीदते हैं, तो अब तक जब से आप चीफ मिनिस्टर बने हैं कितना खर्चा आ चुका है? खर्चा तो काफ़ी आ गया हुआ है, लेकिन ये है कि ये पहले दिन वादा किया था कि सैलरी नहीं लेनी है, चाहे वो किसी भी किस्म का खर्चा इस दफ्तर में हो वो गवर्नमेंट का नहीं करना। खाना घर से आता है? सारे पूरे दफ्तर का खाना घर से आता है। और बैरूने मुल्क जाते हैं तो? कहीं पे कोई बैरूनी मुल्क तो खैर, अगर प्राइवेटली अपने विजिट के लिए जा रहा हूँ तो फिर तो अपना ही खर्चा करना है। वैसे भी कोई गवर्नमेंट से एक चीफ मिनिस्टर का फंड होता है अपना, वो भी हमने बंद कर दिया हुआ है, जिसमें यह है कि मेरे पास पावर है जिस मर्ज़ी को जितने पैसे देने, वो भी हमने बंद कर दिया है, उस पर 1 रुपया नहीं खर्च किया है। जो खर्चे थे वो भी अल्लाह का शुक्र है तकरीबन यहाँ के 10 टाइम्स नीचे आ गए, तो ऑफिशियली तो वैसे कोई खर्चा नहीं है। हमने कोशिश की बिजली के बिल भी नीचे ले आए, तो वो भी बचत करने की कोशिश कर रहे हैं। दफ्तर हमने एक्स्ट्रा बंद कर दिए थे और बाकी जो खर्चे वगैरह हैं वो हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि कितने पैसे खर्च हो चुके हैं आपके बतौर चीफ मिनिस्टर हुकूमत पर? ये तो मुझे अपने दफ्तर वालों से पूछना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं से पैसे कोई 10 करोड़ 15 करोड़ अच्छे खासे पैसे खर्च हो गए, लेकिन मैं उनको एग्जैक्ट पता होगा, मैं गलत फिगर देना नहीं चाहता। दफ्तर से रवाना हुए बिजनेसमैनों से मिलने अपने दोस्त गौर एजाज के घर पहुंचे, इशाइया का एहतमाम किया गया था। जामिया आशरफिया पहुंचे, मौलाना फजलुर रहीम से उनके दफ्तर में मुलाकात की, कावा और खजूरों से तवाजो की गई। जामिया के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का दौरा किया, मौकों पर मैं बोला था, फोन करता हूँ, कहता हूँ आपने दुआ कैसे,
बहुत प्यार किया है। या शबला या अल्लाह, ये जो कश्ती के अंदर 400 के करीब अल्लाह जी, इनके घरों पर क्या क़यामत गुजर रही है, तेरे अलावा कोई सब्र देने वाला नहीं है। या अल्लाह सब्र जमील और सुकून दे, शोहरगा को आला इलीन में जगह का करना। फिरोजपुर रोड पर नए लाहौर ब्रिज का इफ्तिताह करने पहुंचे। फाइनली ये ब्रिज जो बहुत अरसे से लटका पड़ा था और बल्कि काम रुका पड़ा था, और हमारी कोशिश थी कि इसको जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस करा सकें उसको कंप्लीट करा लें। इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो एलडीए की टीम है जिसने इस पर काम किया है, सारे आई थिंक शाबाश के मुस्तहिक हैं, बिकॉज इन सब ने यहाँ पे रोज़ आके चेक किया है ड्यूटी। सर्सेज अस्पताल का अचानक दौरा करने पहुँच गए, एमरजेंसी वार्ड में आए, मरीजों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया, टॉयलेट्स का भी मुआयना किया। रात गए घर वापस पहुंचे, फैमिली से मुलाकात की। भाभी, आपकी शादी को कितने साल हो गए और मोहसिन नकवी कैसे शौहर साबित हुए? हमारी शादी को जी 17 साल हो गए हैं और अच्छा सफ़र गुजर रहा है इकट्ठे। अच्छा, ये बताएं कि आपका तल्लक एक पॉलिटिकल और पुलिस फैमिली से था, ये मीडिया इंडस्ट्री से तल्लक रखते हैं, तो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ या कैसे अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हुई? हाँ नहीं, इतना मुश्किल नहीं लगा। आई थिंक बड़ा अच्छा रहा है हमारा ये सहाफत वाला जो सफ़र था, इसमें आराम से एडजस्टमेंट हो गई थी। मोहसिन की सबसे अच्छी बात क्या है? मोहसिन का ख़ास बात यह है कि जी जितना भी बिज़ी हो ना, बेशक थोड़ा ही टाइम होए, लेकिन जितना टाइम है क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो सारे गिले शिकवे जो टाइम स्पेंड करते हैं उसमें ख़त्म हो जाते हैं। एंड ही इज़ वेरी केयरिंग, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, तो आई थिंक वो हर चीज़ जो टाइम नहीं दे सकते वो यहाँ पे कॉम्पनसेट हो जाता है। लड़ाई किन बातों पर होती है? लड़ाई जी अब तो टाइम ही नहीं है कि इकट्ठे बैठे हैं तो 2 मिनट लड़ाई हो जाए, लेकिन एज सच लड़ाई नहीं होती, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं हर घर में। गुस्सा किसको आता? गुस्सा तो मोहसिन को आता है। अच्छा, तो फिर उसका इजहार कैसे करते हैं? खामोश हो जाते हैं। आप लोगों की एजुकेशन में कितनी इंटरेस्ट लेते हैं, बातचीत करते हैं? वो बहुत मेहनत करते हैं, ही मोटिवेट्स अस टू बी मोर लाइक हिम इवन दो ही इज नेवर बीन टू आवर स्कूल। हाँ बेटे, आप बताओ क्या चीज़ है इनकी जो आपको अच्छी नहीं लगती, व्हाट इज बैड थिंग? ही हैज अ लॉट ऑफ लेग पेन एंड आई हैव टू मसाज हिज लेग। He loves shopping, so when we go, he can get a lot of gifts because he goes a lot. He travels too much. बेटे, आप यूट्यूबर भी हैं, ये बताएं वहाँ कैसी वीडियोस डालती हैं? I upload memes of different people on YouTube. Very good. So you are a YouTuber. But 2 subscribers, yes. He is very caring. And the funniest thing is that he buys the entire Legoland store. That was my favorite. चौधरी शुजात हुसैन के घर का दरवाज़ा टूट गया, आप माफ़ी मांगने चीफ सेक्रेटरी और आईजी के साथ उनके घर गए, क्या इंक्वायरी कराई कि यह दरवाज़ा तोड़ने का ज़िम्मेदार कौन था? हाँ जी, जिन्होंने आई थिंक वो गलत काम किया, हमने उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया। अच्छा। और वो मेरा ख़्याल है कि किसी के भी घर जाएँ तो अगर रेड भी करनी है तो इज़्ज़त के साथ होनी चाहिए, चाहे वो किसी का भी घर हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि
चौधरी शुजात का हो या किसी का और का भी। 9 मई का वाक्या सानिया कहा जाता है, उस रोज़ कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ, अस्कृत नसीबात पर हमला हुआ। लेकिन एक सवाल ये भी है कि उस दिन सिक्योरिटी कहाँ थी, पुलिस ने मुजाहिरीन को क्यों ना रोका, क्या इसके हवाले से इंक्वायरी करवाई गई है? बिल्कुल तहकीकात की और उसका बड़ा क्लियर एक जवाब है कि या तो उस टाइम गोली चलाते और सड़कों पे लाशें गिर जाती, और दूसरा ये है कि क्योंकि वो इतना प्री प्लान्ड था सारा कुछ, और जिस तरीके से वो सारा उस दिन वाकया हुआ है वो गोली के बगैर रुकना नहीं था, तो फिर ये फैसला गोली चलाने वाला नहीं हुआ जिसकी वजह से ये फिर सारा वाकया हुआ। क्या गोली चलाने का फैसला आपने करना था? जो हमारी हदूद में वो हमने करना था, पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर देखना था। तो आपने फैसला किया कि नहीं चलाने? गोली नहीं चलाई। नवाज शरीफ इलेक्शन से कबल पाकिस्तान वापसी का इरादा रखते हैं और सुना है कि वो दुबई या सऊदी अरब आ गए हैं। आप ये बताएं कि आप उनका इस्तकबाल करेंगे या उनको अरेस्ट करेंगे? ज़ाहिर है आपने स्ट्रेटजी तो बनाई होगी। नहीं, अभी तक हमने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, और जो लॉ के हिसाब से होगा वो करेंगे। क्या कोर्ट के आर्डर हुए तो आप उन्हें गिरफ्तार करेंगे? जो लॉ के हिसाब से, हमने अभी इसको एनालाइज नहीं किया कि वो आते हैं तो क्या होता। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुत्तफिका वज़ीर आला हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के बाज़ हलकों को शिकायत है कि उनके काम नहीं होते, क्या वाकई ऐसा है? कई जगहों पे नून लीग वाले भी नाराज़ हैं, कई जगहों पे पीटीआई वाले भी नाराज़ हैं, कई जगहों पे काफ लीग भी नाराज़ है, कई जगहों पे पीपल पार्टी भी नाराज़ है। हम यहाँ किसी को खुश करने के लिए तो नहीं बैठे, जो इलेक्शन कमीशन ने हमें मैंडेट दिया है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, लोगों को खुश करने के लिए नहीं आया। निगरान वज़ीर आला का ओहदा फूलों की सेज है या कांटों का हार? मुश्किल काम है, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा भी इसको रियलाइज़ करें कि लोगों को रिलीफ देना है, और अगर लोग तकलीफ में और आपको उसकी तकलीफ हो, तो फिर मुश्किल काम है। निगरान वज़ीर आला बनना तो ज़ाहिर है एक सियासी अमल है, क्या आप मीडिया से सियासत में आ चुके हैं या दोबारा मीडिया में चले जाएं? नहीं नहीं, वापस मीडिया में जाएंगे, सियासत नहीं है, ये बड़ा इंटरिम सा एक पीरियड है, उसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है करके वापस जाएंगे। बजट में सेहत के हवाले से अच्छी खासी रकम रखी जाती है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल्स की बुरी हालत हुई हुई है, और आपने आज देखा ही है सारा दिन कि जिस जिस हालत में थे, एक एक अब एक बेड पे 5 बच्चे हैं, तो आप डॉक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल तो नहीं करार दे सकते, ये तो गवर्नमेंट का काम है कि उस 5 बेड उनके लिए अवेलेबल करें। डॉक्टर का तो क्रेडिट जाता है कि डॉक्टर उनका ट्रीट कर रहा है, और डॉक्टर जब उनका इलाज कर रहा है उसने तो अपनी लिमिटेड से रिसोर्सेज में करना है, तो ये कहना कि जी डॉक्टर्स की नलायकी है कि जी 5 बेड एक बेड पर 5 लोग मौजूद हैं या 5 बच्चे मौजूद हैं, जिस तरह आज आपने देखा है, नहीं, ये मेरे ख्याल है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और गवर्नमेंट का कसूर है। तो कोशिश कर रहे हैं जो भी जितने जल्दी वक्त में हम उनको रिलीफ दे सकते हैं देंगे इंशाल्लाह। कहा जाता है कि पंजाब की काबीना बनाने में सबसे ज़्यादा रोल आपका था, आपने किस मेरिट पर वज़ीर बनाए? मैं वज़ीर आला बनाऊँ तो मेरा ही अमल दखल होना चाहिए, और तो नहीं किसी का होना चाहिए। उसमें यंग लॉट भी है, उसमें एक्सपीरियंस लोग भी हैं, उसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हैं, और बहुत छोटी सी काबीना है, तो जिन जिन के बारे में मैं जानता था और जिन जिन को मैं समझता हूँ कि वो डिलीवर कर सकते हैं, वो सारे इस काबीना का हिस्सा हैं। ये बात किस हद तक सही है कि आपने सेहत कार्ड को ख़त्म कर दिया? सेहत कार्ड बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ वहाँ पे कोई चीज़ों में उसमें, क्योंकि उसकी अमाउंट बहुत बड़ी है, और डेफिनेटली एक तरह का रिलीफ भी है पब्लिक को, लेकिन हम वो मिसयूज़ भी नहीं होने देना चाहते, तो उसको रिव्यू करके हमने 8-10 मीटिंग के बाद एक फोकस करके कर दिया, और अमीरों के लिए ख़त्म कर दिया। अमीरों के लिए ख़त्म कर दिया, तो वो कैसे तख़सीस होगी? वो आपका BISP का डाटा है, उसके तहत है। दोस्ती तो आपकी सबके साथ है, असल में हमदर्दी किसके साथ है? सबके साथ। ना पेंट कोट ना वेस्ट कोट, हर वक्त सादा लिबास में फिरते रहते हैं। लोग कहते नहीं कि चीफ मिनिस्टर का रोबदाब होना चाहिए? मैं रोबदाब के लिए तो आया भी नहीं, अगर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो बेहतर है कि जिस चीज़ में कम्फर्टेबल हूँ वही पहनूँ, ना कि वास्केटें पहन के बैठ जाऊँ। मैं उसमें मैं कंफर्टेबल भी नहीं, ना मैं काम कर सकता हूँ। वास्केटें आम जिंदगी में भी नहीं पहनते? नहीं पहनते, तो जब आप नहीं पहनते तो मैं आप क्यों पहनूँ? आपकी ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा हमारे सामने है, जब फारग होते हैं तो कैसे दिल बहलाते हैं? कोई म्यूज़िक सुनते हैं, कोई डांस देखते हैं,
कोई फिल्में देखते हैं, क्या करते हैं? दोस्तों के साथ खाना खाता हूँ। खाने कैसे पसंद है? खाने पाकिस्तानी और हार्डकोर देसी खाने, खासतौर पर आपके घर का पुलाव। मौसीकी किसकी अच्छी लगती है? म्यूजिक कम सुनता हूँ। रात गए उनसे इजाजत चाहिए।